हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई पुंछ अटैक लाइव अपडेट। पुंछ हमले के बीच पाकिस्तानी लड़की ने किया भारत को हैरान। आयशा रशान शायद लिखा हुआ है, तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या एक और नया कोई हमला हुआ है कि ये कोई पुरानी न्यूज की बात कर रहे हैं? अभी पुंछ में फिर से हमला हुआ है क्या? तो चलो देखते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान के टुकड़ों पर पल रहे आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के एक वाहन को निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में भारत के 4 जवान घायल हो गए तो वहीं एक वीरगति को प्राप्त हो गया। ये आतंकी हमला चुनावों के ठीक बीच में हुआ है, लेकिन इस आतंकी हमले के बीच पाकिस्तान की एक लड़की भारत में वायरल हो गई। एक तरफ तो पाकिस्तान भारतीय जवानों की जान लेने पर तुला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने मानवता की मिसाल कायम करते हुए एक पाकिस्तानी लड़की को जिंदा बचा लिया है। यह खबर संयुक्त राष्ट्र, एनजीओज और ह्यूमन राइट्स वालों को जरूर देखनी चाहिए। इसका तो फोन से कनेक्शन नहीं है। इस पाकिस्तानी लड़की को भारत में नई जिंदगी मिली है। भारत के लोग मदद ना करते तो ये पाकिस्तानी लड़की शायद ना बच पाती। पाकिस्तान के कराची में रहने वाली 19 साल की आयशा रशीद को चेन्नई के एक अस्पताल में भारतीय का दिल लगाया गया है। आयशा को 69 साल के एक व्यक्ति का दिल लगाया गया है। ये खबर जैसे ही सामने आई तो कई पाकिस्तानियों ने गिरी हुई हरकत शुरू कर दी। खुद पाकिस्तानियों ने दावा करना शुरू कर दिया कि आयशा रशीद को हिंदू का दिल लगाया गया है। भारत में हॉस्पिटल की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। भारत में ऑर्गन्स का धर्म नहीं देखा जाता और ना ही ये बात सार्वजनिक की जाती कि किस मरीज को किसका ऑर्गन लगाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी आयशा को मिले दिल का धर्म ढूंढ रहे हैं। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने जब वहीं के एक इमाम से इस बारे में बात की तो इमाम ने कहा कि ये दिल काफिर का है। इमाम ने बताया कि ये दिल पहले मूर्तियों के सामने झुकता था, लेकिन अब अल्लाह के सामने झुकेगा। इमाम ने कहा कि आयशा रशीद को इसका अच्छा फल मिलेगा। इमाम का दावा है कि पाकिस्तानी लड़की को भले ही गैर मुस्लिम व्यक्ति का हृदय लगाया गया हो, लेकिन इसका सारा नेक आयशा को मिलेगा, उस भारतीय को नहीं जिसका दिल आयशा को लगाया गया है। इमाम का कहना है कि वो भारतीय मुसलमान नहीं था। अब ये जानकारी इमाम को कैसे मिली इसके बारे में वो खुद ही बता सकता है। लेकिन मजे की बात देखिए कि आयशा की माँ बोल रही है कि मैं खुश हूँ कि एक पाकिस्तानी लड़की के अंदर अब भारत का दिल धड़केगा। आयशा की मां ने बताया कि उसके पिता ने हमें छोड़ दिया था और अब इलाज का पूरा खर्च भारतीय लोगों ने उठाया है। सोशल मीडिया पर अब आयशा रशीद को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने तेलंगाना की एक खबर का जिक्र करते हुए बताया कि एक समय 39 मुस्लिम मरीजों को अंग लगाए गए थे, लेकिन किसी भी मुस्लिम ने अंग दान नहीं किया। इनको अंग तो चाहिए लेकिन ये अंग दान नहीं करना चाहती। सोशल मीडिया पर ही कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी लड़की को इतनी प्राथमिकता क्यों दी गई, जबकि भारत में लाखों मरीज अंगों का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भाई मेरा तो खून खौलता है सच बताऊं, कि यहाँ मैं देख रही हूँ कि पुंछ में हमारे पाकिस्तानी जो हैं हमारे जवानों को हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लोगों पे अटैक करते हैं। अभी एयरफोर्स के कर दिए इन्होंने, जिसमें हमारे एक जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। किस, और हम उसी पाकिस्तानी लोगों को हेल्प कर रहे हैं और वो इतने नाशुक्रे कि वहाँ से स्टेटमेंट आ रही है कि काफिर का दिल लगा दिया है। अब वो काफिर का दिल जो है वो जो है इनके अल्लाह के सामने झुकेगा, और सारा जो क्या बोलते हैं कोई वर्ड यूज किया ना कि उसका जो भी फल फूल है वो सब इस लड़की को मिलेगा जिसका वो दिल लगा हुआ है, उसको कोई उसका फल नहीं मिलेगा। क्या घटिया लोग हैं यार, क्या घटिया लोग, इनको तो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरना चाहिए। इतनी इनको नफरत है जो भी गैर मुस्लिम रिलीजन के लोग होते हैं उनके साथ, कि इनमें तो इनको इनको दिल देना है, ऐसे लोगों को दिल देना है कि भाई जिनको कदर ही नहीं है।
और ये जो पाकिस्तानी अब लड़की आई है, मैं तो ये सोच रहा हूँ उसका वीडियोस इतने वायरल हुए, जब ये वापस पाकिस्तान जाएगी इसके साथ क्या करेंगे ये लोग, ये तो जाहिल अनपढ़ दहशीय लोग हैं, दहशत गर्दी करने वाले, ये तो इसकी भी जिंदगी खराब कर देंगे। पर उसको बचाने के लिए ये बोल दिया, हाँ इसके अंदर हिंदू का दिल है, पर हिंदू को तो कुछ नहीं मिलेगा, सारा जो फल फूल है वो तो इस लड़की को मिलेगा, क्योंकि इसने वो लगवा के अभी अल्लाह के सामने जो है वो दिल को जो है उसको झुका रही है। इतना घटिया पुना, और बिल्कुल सही है, हमने जब इसकी वीडियो पहले सबसे पहले रिएक्शन किया था तो मैंने तो कहा था क्या हमारे भारत में ऐसे लोग कम हैं जिनको दिल की ज़रूरत है, जिनके माँ बाप जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से मेरा बच्चा बच जाए, और उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं कि वो दिल ले जो है अपने बच्चे का हार्ट ट्रांसप्लांट करा सके। तो जो एजेंसीज हैं, जो NGOs हैं, जो हमारे भारत की हैं, क्या उनका पहले फ़र्ज ये नहीं बनता कि मेक श्योर करें कि हमारे भारत में ऐसा कोई बंदा ना हो जिसको हार्ट की ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो। जब हमारे यहाँ पर हर एक के हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है और कोई ज़रूरतमंद नहीं है, फिर जाके आप बाहर सेवा करने जाओ, पहले अपने देश की तो सेवा, अपने देश के लोगों की तो सेवा कर लो। इनको लगा रहे और वो इतने नाशुक्र है जो हमारे लोगों को, जो हमारे जवानों को ऐसे, मतलब क्या घटिया लोग हैं कि लड़के वॉर में भी नहीं लड़ने आते हैं, इस तरह से कहीं छुप छुप के टेररिज्म से हमारे लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, हमारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हैं। बहुत ही घटिया है ये बड़प्पन दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं है, अपने लोगों को हेल्प करो। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट चाहिए और पैसा नहीं उनके पास। देखिए अब तो पुंछ का हमें पता नहीं कि क्यों अभी भी हमले हो रहे हैं। मैंने सोचा था कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, कैसे होगा, भेज तो रहे ना पाकिस्तान, कुछ बढ़िया हो जाएगा, मगर नहीं, बैठा नहीं है पाकिस्तान साथ में। एक कंसर्न वाली बात है, कितना कर कर को होता है। दूसरा जो है उन्होंने ये भी कहा था कि जो मुस्लिम है वो कोई डोनेट नहीं करते अपने बॉडी पार्ट्स, चाहिए उन्हें पर डोनेट नहीं करेंगे। मैं ये कहूँगा कि लोगों ने इतनी न्यूज सुनी है जहाँ पे अगर कोई इंसान मान लीजिए उसकी तबीयत खराब है और वो बोलता है वो ऑर्गन डोनर है, तो वो कोशिश करते हैं पैसे के लिए कि वो उसकी मृत्यु हो जाए और उसके पार्ट्स ले लें। हाँ, ऐसा भी केस और कई हमने इतने सारे सीरियल्स देखे हैं। हाँ। जो कहते हैं यहाँ पर भी जो हॉलीवुड के सीरियल्स हैं वो भी देखे हैं कि एक बंदा है उसमें लिखा होता है ऑर्गन डोनर है तो उसे बचा सकते हैं, बट वो कहते हैं कि पार्ट्स की कीमत इतनी ज्यादा है कि बोलते हैं बिजनेस बनाया हुआ हॉस्पिटल वालों ने, जाने दो इसे। हाँ। मरने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि पार्ट्स जो है इसके सारे ये तो बिक जाने हैं, तो जाने दो, बचा सकते हैं, मगर बिल्कुल ही जाने वाला छोड़ो। तो हॉस्पिटल्स भी कई ऐसा करते हैं कि जाने दो। इसकी वजह से बहुत लोग जो हैं अपने ऑर्गन्स को डोनेट नहीं करते, क्योंकि अगर पता लगा डोनेट करते हैं तो तुम्हारी जान नहीं बचाएंगे इन द लास्ट मिनट, तो होता ये है। मगर बहुत ही अच्छा एग्जांपल था कि हार्ट डोनेट हुआ है, मगर इसमें मैंने हमने लास्ट में ये भी कहा था कि वो कह रहे थे देखिए एक हार्ट है जो किसी को भी नहीं चाहिए। हाँ। इसलिए दे दिया, वो गलत है, वो डाला किसी को नहीं चाहिए और हमने पे कर दिया। इतने सारे लोग बैठे होंगे जिनका पैसा नहीं होगा 30 लाख टू डू दिस। अगर तुम बोलते भैया कोई भी आ जाओ जिसको चाहिए 30 लाख हम देते हैं, तो कितने सारे लोग आ जाएंगे। हाँ? तो ये बोलना कि कोई नहीं चाहिए, हाउ कैन दैट बी, हॉस्पिटल 30 लाख लोगों के पास नहीं था इसलिए नहीं था, ये हॉस्पिटल के लोग ये अगर तुम अपना पैसा लगा के करते हो तो इतने सारे लोग थे उनका नेक्स्ट इन लाइन करना चाहिए 30 लाख लगा के, वो तो बिल्कुल गलत था, कुछ तो कपले लग रहा है, कुछ गलत था, क्योंकि जो हॉस्पिटल ने किया है जो डायरेक्टर्स थे वो बोल रहे थे कि भैया कोई लेने वाला नहीं था जी, हमने बोलना ठीक नहीं था ये ऐसा बोलना, क्योंकि लेने वाला कैसे नहीं है। हाँ। अगर तुम 30 लाख दोगे बड़े सारे लोग, और डायरेक्टर खुद पैसे खर्च कर रहा है उस इसकी हेल्प करने, क्या भारत में लोगों की कमी है जिनको पैसों की तंगी और उनको ऑपरेशन करना है, पहले अपने देश के जो कार्य किया उन्होंने अच्छा काम अच्छा किया, बोलने का तरीका ठीक वो गपला था। और साथ में जब तक अपने देश में एक भी ऐसा है जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए और उसका हो नहीं रहा, जब तक हमारे देश में ऐसा एक भी बंदा है, बाहर का करने का मतलब नहीं बनता, पहले अपने देश में करो जो अपने हैं, पहले अपनों को करो फिर जाके बाहर करो, और वो भी पाकिस्तान को आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज जहां से ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।